राय देइछंती सहरी नागरिक 5 वर्ष पई बाचिछंती सहरी नेतांकु ईवीएम बटन टिपी काउंसिलर कॉर्पोरेटर पदसह पौर अध्यक्ष मेयर आसन पई वोट देइछंती सहरी नागरिक एबे कड़ा सुरक्षा बळ रे स्ट्रांग रूम रे ईवीएम रे सील हुई रहिछि प्रार्थी को भाग्य आसंता काली एई ईवीएम मशीन खोलिबो एवं शनिवार घोषणा हेबो जनतांकर राय दिनक पई भगवान साजी 5 वर्ष लागि प्रार्थी को भाग्य निर्धारण कर दिछंती वोटर भोट सरिबा परे हार जीत को नै चलिछि एबे सबुटी कल्पना जल्पना ये जितिबो सिए हारिबो एमिति चर्चा भितरे सबु दल दाबी करछंती आमे जितिबु किंतु अनेक प्रार्थी को मन भितरे रहिछि द्वंद अंक कसा हिसाब निकास चलैछंती विजयर दाबीदारी न रखी सबु छाडी दिछंती भाग्य उपरे सबु सरि जाइछि वर्तमान केवल उपरवाला भरोसा सूचना अनुजाई 106 पौरांचल रे मतदान हार 65% टपिछि छोट सहर तुलन में महानगर निगम रे मतदान अपेक्षाकृत कम रही भोट बेले केतेक स्थान रे हिंसाकांड घटिबा सह बूथ रे उत्तेजना प्रकाश पाई ईवीएम त्रुटि को नहीं भी बद उठी किसी बूथ रे गंजाम जिला कोदला एनएससी रे बीजेडी को कड़ा टक्कर देछि बीजेपी गतकाली निर्वाचन चलता बेले किसी बूथ आगे प्रशासन कार्यकलाप को नहीं उत्तेजना देखा दीथला तेबे पुरुषोत्तमपुर एसटीपीओ सूर्यमणि प्रधान कोदला थाना अधिकारी देवाशीष पहंती बेगुनियापड़ा फांडी अधिकारी संग्राम देउरी समेत समस्त पुलिस फोर्स मुतयन रही शांति श्रृंखला रक्षा करते मतदान शेष होगा पर समस्त बूथ गुड़ी को ईवीएम मशीन एवं एनएससी रे थिबा स्ट्रांग रूम को कड़ा सुरक्षा भितर अणा जाइछि तेबे दुईटी बॉक्स रे थिबा ईवीएम मशीन रो सील को नहीं एजेंट एवं प्रार्थी संदेह करिवारु किछि समय पई उत्तेजना प्रकाश पाइथिला परे निर्वाचन अधिकारिणी तथा कोदला तहसीलदार सस्मिता शतपथी उपस्थित रे ईवीएम मशीन रे सील गुड़ को पुनः तदंत करा परे उत्तेजना ह्रास पाइथिला कोदला एनएससी रे 64% मतदान होइथिबा जणा पड़िछि एही एनएससी रे मोटो 13 गोटी वार्ड रहितिया बेले 15 बूथ करा जाइछि एवं 1 नंबर बूथ रे 448 जण मतदान करथिया बेले 2 नंबर बूथ रे 399 3 नंबर बूथ रे 380 4 नंबर बूथ रे 611 5 नंबर बूथ रे 280 6 नंबर रे 315 7 नंबर बूथ रे 356 8 नंबर बूथ रे 354 9 नंबर बूथ रे 536 10 नंबर बूथ रे 497 11 नंबर बूथ रे 461 12 नंबर बूथ रे 496 एवं 13 नंबर बूथ रे 491 14 नंबर बूथ रे 607 जण एवं 15 नंबर बूथ रे 643 जण वोटर मतदान करथिले मोटो 10709 वोटर होइथिया बेले 6864 जण मतदान करथिले आसंता काली सकाळ 8 रु गणति आरंभ होबाकु थिया बेले एबे प्रार्थी प्रार्थिनी मानक हृत्पिंड स्पंदन बढ़िथिबा देखियाकु मिलिछि गतकाली शेष होइछि राज्यर पौरांचल भोट एवं भोट सरिबा परे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्यरे ईवीएम मशीन गुड़ी को सील करा जाई वर्तमान जोटी गणति हेबो भोटदान जोटी गणति पे निर्दिष्ट जगह रहिछि एनएससी ऑफिस हो किंबा अन्यन्य स्कूल हो जोटी गणति केन्द्र रहिछि से गणति केन्द्र को ईवीएम मशीन गुड़ी को कड़ा सुरक्षा भितर पठा जाइछि एवं स्ट्रांग रूम रे प्रार्थी एवं एजेंट मानकर उपस्थित रे सील करा जाइछि वर्तमान आज गोटे दिन भेकेन्स रोची एवं आसंता काली सका 8 रु भोट गणति आरंभ हेबो एवं वर्तमान जो प्रार्थी प्रार्थिनी रही भोट फलाफल को नहीं सेमानकर हृत्स्पंदन वृद्धि पाउछि एवं जदि देखिबा गणति केन्द्र परिसर रे जोटी स्ट्रांग रूम रे ईवीएम मशीन गुड़ी को रखा जाइछि सेठी विभिन्न दलर प्रार्थी अबा एजेंट माने किभली सुरक्षित को रही से नहीं जगिछति दिन राति कड़ा पैंतरा मारुछंती ईवीएम केते सुरक्षित ताकू जगुछंती आम सहित रही जड़े काउनसिलर वार्ड काउनसिलर प्रार्थी रही से अपेक्षा करछंती ईवीएम मशीन जो स्ट्रांग रूम रही अपेक्षा करछंती अधिक कथा हबा भाई आपण को परिचय मधुसूदन जेना फास्ट आमर बीजेपी रो मुझे नगर सभापति भारतीय जनता पार्टी रो एवं सेकेंड रे मु प्रार्थी आमर 8 नंबर वार्ड रो काउंसिलर प्रार्थी आउ आमे वर्तमान समस्त आसिक एनएससी ऑफिस रे राति रे मध्ये थिलु एवं एबे मध्ये आसिक आमे गोटे पार्ट वाइज जेमती पुलिस बाहिनी जेमती तांगर पार्ट वाइज माने ड्यूटी पडुची ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ଶଙ୍କା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମର ଧର୍ମର ଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ରୁ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ଗଣତି ପଦ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିକି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଟିକି ଅଛି, ପଦ୍ମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେତେଟା ଆସନ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ 12ଟାରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ଟକର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାର ଜିତି ହୋଇପାରେ। ଇଏ ରହିଥିଲା କୋଦଳା NSC, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା NSC ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଏଠି CCTV LED ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ EVM ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତିବ ଏବଂ କିଏ ହାରିବ, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଫଳାଫଳକୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।